Hello and welcome my dear students, welcome to Suresh Sir Officials YouTube channel. आशा करूँ समस्त भलसे थे पे आगक आसुवा OTET examination जहाँ आमर जनवरी 31 तारीख में होगा जाऊँगी एडमिट कार्ड निहत 24 तारीख में आसीज ते OTET examination में आपण मैंने पेपर वन पेपर टू अप्लाय करते निहतर जब सियोर शॉट क्वालिफाई होने चाहते निहतर आम सहित जोड़ी रहा दरकार आज क्लास रे आम 200 मार्थ पेडागोजी जहाँ आम पेपर वन में 10 मार्क पेपर टू साइंस पाई 10 मार्क पे 20 मार्क रे क्लास निहत 200 सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर क्लास डिस्कशन कर तेणु चैनल को ना सब्सक्राइब कर फैकल्टी थे बेल आइकन को ऑन कर सहित जदि नोट्स पीडीएफ सब कुछ पाइबा चाहूँ वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम रो लिंक अवेलेबल अच्छी जॉइन हो पार कि पर्सनाली आपणकर जहाँ प्रोब्लेम जॉइन होबार जदि प्रोब्लेम थाए 8144033374 नंबर में मेसेज कर लेट कर मानी क्लास को स्टार्ट करवा क्लास को स्टार्ट करने पूर्व कही रखी गोटे गोटे लाइक और शेयर करने भूलिबे ना ओके क्वेश्चन नंबर वन कहूँ एम्फासीस इज गिभेन अन् व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स टू द प्राइमरी पुपिल आम जब प्राइमरी पुपिल मानक पढ़ूचे आम क्या अधिक मात्रा एम्फासीस करवा फोकस करवा पचारूँ आम ड्रइंग एंड मेजरी पिला कह त्रिभुज वर्गचित्र अंकन कर बोली कह कि हाइट लेंथ कथा कह कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कथा कह जेहेतु प्री प्राइमरी मान पाटा पढ़वाटा स्टार्ट करु तेणु से ही स्टेज रे आम कौन करवा काउंटिंग नंबर करवा कौन करवा पिला नंबर काउंटिंग शिखेबा ऑप्शन डी कर राइट आंसर ऑप्शन डी व्हिच पेयर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री सो फार आज द पोजिशन अफ द ऑब्जेक्ट इन द एनवायरमेंट इज कंसर्न चारिटा पेयर देखा भितर के अलग बोली पचारूँ एक पे मैंने लेफ्ट राइट फ्रंट बैक अफ डाउन ये तीन जाक गोटे कर्ण टाइप को बुझाऊँ बाम डाण आग पछ ऊपर तल एम बुझाऊँ कि यहाँ कौन गोटे सैज को बुझाऊँ कौटा बिग एंड स्मलटा कौटा डिफरेन्ट पे मैंने बिग एंड स्मल हूँ डिफरेन्ट बुझिपार ऑप्शन ए है राइट आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इज रॉन्ग मैथमेटिक्स रे को मेथडटा रॉन्ग बोली कहूँ मैथमेटिक्स रे पिले माने हमें अननोन नो नॉन को जाई परबा एनालिसिस करिकि स्पेसिफिक रु जनरल को जाई परे इंडक्टिव करिकि बा हमें थ्योरी रु सॉल्यूशन को मध्ये पाई परबा सिद्धांत रु हमें सॉल्यूशन की पाई परे डिडक्टिव मेथड रे पाई परबा तीनटा जगह ठीक अछि कोन करिवो नॉन ऑफ द अबव करिवो राइट आंसर नॉन ऑफ दिस करिवो राइट आंसर ऑप्शन डी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज अडॉप्टेड टू सॉल्व लॉजिकल प्रॉब्लम इन ज्योमेट्री आम जो ज्योमेट्री कथा को प्रथम देखा जो ज्योमेट्री कथा को आम सॉल्यूशन करने आम प्रकृष्ट यदि पद्धति कथा देखा प्रथम कौन एनालिसिस करिबा देन आम सिंथेटिक करिबा बुझिपार फास्ट एनालिसिस देन सिंथेसिस बुझिपार ऑप्शन सी कर राइट आंसर ऑप्शन सी व्हिच स्किल इज नॉट यूजुअली अचीव्ड बाय द पुपिल्स ऑफ प्राइमरी स्कूल सो फार आज द मिनिमम लेवल ऑफ द लर्निंग कंसर्न कौ स्किलटा पिलाई प्राइमरी स्कूल आमर दरकार अचीव नुहे पचारि कहीं आम नंबर को आइडेंटिफिकेशन करवा काउंटिंग नंबर करवा ठीक अच्छे गाणितिक सिंबल गुड़ाक यूज करवा प्लस माइनस इंटू डिविजन यूज करवा ठीक अच्छे नंबर गुड़ाक आम डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा मैंने अर्धक्रम लिखा बड़ स्थान कर ठीक अच्छे कि प्राइमरी स्टेज रे ए प्लस बी होल स्क्वायर पढ़ेबा तुम फॉर्मूला देवा करने कहे ठीक हे ना ऑप्शन डी कर राइट आंसर ऑप्शन डी बुझेगा व्हाई इज प्लेसमेंट इवैल्यूएशन ऑफ द पुपिल्स डन बाय टीचिंग मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स आम प्लेसमेंट इवैल्यूएशन को कहीं यूज करुच्ची प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कहले कौन बुझा आम जेकोसी गोटे जगह प्लेसमेंट करवाई आम निहते OTET CTET OSST सहित यही एग्जाम गुड़ाक जेहतु प्लेसमेंट पर एग्जामा कराई थे तेनालीरें पे मैंने कौन कर जगह निहती है आम गोटे आइडेंटिफिकेसन करने डेफिसीयसी आने तो आम कौन हो डायग्नोस्टिक
क्लास रो प्रमोशन करिया पई कहले हमर समेटिव हे जीवो मेजरिंग इंटेलिजेंस कह कहले हमर कह जीवो फॉर्मेटिव किंतु क्लासिफिकेशन करिया पई हमर कोन दरकार पिले माने निहेते हे हमर प्लेसमेंट इवैल्यूएशन रो आवश्यकता रही छि बुझि परल चारटा को ऑप्शन एलिमिनेशन करिवो जोटा ठीक हो छि बुझिवो कोन करिवो ऑप्शन ए करिवो राइट आंसर से कहू छि ए पुपिल रोट 100 बीइंग आस्क्ड टू बी 1 टू 100 To rectify such error committed by the pupil, which of the following methods should be teacher adopted? तरे से कौन करी ची मिसाल फिर नटी के बोल भाल करी ची इधर एक तक कुहा गला ए पुपिल रोट 110 बिकम टू आठ 1 to 100 इधर कुहा गला एक रे सौहे मिसे ही दे से कौन करी ची सौहे दस ले कुची तले सही जगरे तार कौन प्रॉब्लम रही ची बोले टीचर जाने की तब कमिटी को मेथड को अडॉप्टेड करी परे बोले पहुंचा रुची एडे पिलाटा पिले मने काउंटिंग कथा था किसी कहिलानी के एक्सरसाइज कथा भी किसी नुह ये कौन कला सी तार भैल्यूटा बुझे आमर जो प्लेस भैल्यू फेस भैल्यू रही से भैल्यूटा को से ठीक से बुझे पारे से भैल्यूटा को न बुझी पार जो पिलाटा आम कौन करुँ पिलाटा आम प्रोब्लेम को फेस करिवारे लगुच्छे तो ऑप्शन सी कर राइट आंसर ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा से कहूँ बाय डिवाइडिंग एन ऑब्जेक्ट इनटू थ्री इक्वल पार्ट्स टू पार्ट्स आर वी आर टेकन ए पुपिल रोट इट हैज 2/3 व्हाट स्किल ऑफ द पुपिल डज इट सिग्निफाई से कहूँ जिते बड़े पिलाटा को लिखा गला टू पार्ट बाय डिवाइडिंग एन ऑब्जेक्ट इनटू थ्री इक्वल पार्ट टू पार्ट्स आर टेकन पिलाटा ये जिनसा 2/3 लिखला ये पिलाटार कौ प्रकार नॉलेज अच्छी बोली आम जापर नो हाउ टू राइट द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करेक्टली जानी अच्छा ठीक हम निहते हे नो हाउ टू राइट फ्रैक्शन सिंबॉलिक लैंग्वेज तो कथा कही किंतु एठे पिले माने कोन कला देखो आमे जो मैथमेटिकल लैंग्वेज रे कहिले तीनि भाग रु दुई भाग नबा से मैथमेटिकल लैंग्वेज टा कोन कला सिंबॉलिक लैंग्वेज रे लेखिला चारटा ऑप्शन किछि मात्रा ठीक लागुची किंतु लास्ट ऑप्शन टा हमर कोन रहुची मैथमेटिकल लैंग्वेज टा को सिंबॉलिक लैंग्वेज रे लेखिछि त कोन करिवो लास्ट ऑप्शन टा ठीक करिवो बुझियला टी नेक्स्ट क्वेश्चन कहुची आम जिते गोटे मैथमेटिकल टीचिंग टाक प्रोजेक्ट मेथड लिखा आम केमी लिखा बोले पचारूँ पे आम कौन करवा प्रथम आम गोटे आइडेंटिफिकेशन प्रथम कर प्रकल्प को चिन्हट करवा देन ताक प्लानिंग करवा देन ताक एक्सक्यूशन करवा देन ताक कौन कर इवालुएसन करवा तेणु प्रथम कौन आइडेंटिफिकेशन करवा दरकार ऑप्शन सी कर राइट आंसर ऑप्शन सी ए पुपिल रोट 1/2 + 1/3 = 1/5 व्हाट टाइप ऑफ एरर से को टाइप रो भूल करूसी बोले एठी पचारूसी को टाइप रो पिले माने एक एरर करबो नो आईडिया अबाउट न्यूमर डिनोमिनेटर एट द आईडिया कथा किछ कहिनी किंतु एटा हम कोन करे कथा दिटा कर एलसीएम ने की योगफल करे कथा एट पिलाटा जति एलसीएम रो आईडिया नाही त कोन करबो नो आईडिया टू फाइंड आउट द एलसीएम बुझेलाटी ऑप्शन सी करबो राइट आंसर तो पिले माने क्लास को बुझी परुछन हेते हे गोटे गोटे लाइक हो शेयर करने भूलना ना देह ठीक ना जोर थी कि निहतर तुम्हें भिड बनवाई पड़ू कहीं पाला रेस्पनसबिलिटी ही सबकि पढ़ापी पड़ी था मात्र एक्जामेसन आठ दस दिन कथा यदि यही टाइम पुणी आम जब पिला किसी नक आज ए टीचर किसी भी भैल्यू ही रोना तेना आज ए स्टूडे निहते किसी लाइक और सेयार कर तुम निहते दायित्व ओके पाने नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ अच्छा आट व्हाट स्टेज ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट द चाइल्ड अक्यूर मैथमेटिकल नॉलेज यूजिंग द रियल ऑब्जेक्ट पिलामने तामले रियल ऑब्जेक्ट कथा कहूँ पिलामने को टाइम रे पिलाटा रियल ऑब्जेक्ट कथा जानी थाए जिते बेले रियल ऑब्जेक्ट माने कोन कंक्रीट जिनस कथा एटा को टाइम रे जानिबो ताले कंक्रीट ऑपरेशन टाइम रे पिलाटा रियल ऑब्जेक्ट को जानी परी थाए तले कोन करिवो ऑप्शन 3 करिवो राइट आंसर ऑप्शन 3 ए स्टूडेंट इज एबल टू सॉर्ट आउट द प्राइमरी नंबर्स फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ गिवन नंबर व्हाट टाइप ऑफ टीचिंग ही अक्यूर से कहूँ पिला किसी नंबर दि जाए गोटे प्राइमरी नंबर गुड़ाक बाहर करो टाइप टीचिंग से आक्यूर करें पचारे आक्यूजेसन तो किसी कलानी किसी ग्रहणीय कथा कहला कि ना आप्लाइंग द आक्यूर नलेज जो नलेज से व्यवहार कला ना ये अंडरस्टैंडिंग द आक्यूर नलेज अनुमान कला निहती हे यहाँ हूँ प्राइम नंबर जानी आगुरी यहाँ हूँ प्राइम नंबर तेनाली प्राइम नंबर अनुसार व्यवहार कला तो
कौन कर अंडरस्टैंडिंग द एक्यूट नॉलेज ऑप्शन बी कर राइट आंसर ऑप्शन बी व्हेन एन ऑड नंबर इज मल्टीप्लाइड विथ एन ऑड नंबर द रिजल्ट इज एन ऑड नंबर जो गोटे ऑड नंबर में मल्टीप्लाय हुए कौन आसे आमर गोटे ऑड नंबर आसे टू टीच दिस फैक्ट व्हाट मेथड विल यू फॉलो एटा को हमें पढ़ाप आम को प्रकार मेथड को आम यूज करुचे ये पे कौन कले एक्जामपल को गले ना एक्जामपल आम कौटी गले आम नि डायरेक्ट सूत्र को गले कौट गले एक्जामपल आम जानते आम एक्जामपल रु सूत्र को जी कौन बोली कह इंडक्टिव कह कह इंडक्टिव कह जी डायरेक्ट सूत्र रु फर्मुलारु आम कौन आसवा एक्जामपल को आसवा से कौन हो डिडक्टिव आम कौन एक्जामपल जाऊे ना कौन कर इंडक्टिव कर इंडक्टिव कर बुझीपार जो आम एक्जामपल रु फर्मुला को जीव इंडक्टिव कर फर्मुलारु एक्जामपल को जीव डिडक्टिव कर ओके ऑप्शन ए कर राइट आंसर पचार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द टीचिंग मैथमेटिक्स बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड करने के गुड़ाक गोटे करेक्ट वे पचारूँ एंड करें फास्ट क्वेश्चन ने आम प्रथम कौन करवा प्रोब्लेम को आईडेंटिफिकेशन करवा प्रोब्लेम को आईडेंटिफिकेशन कलापर आम कौन करवा प्रोब्लेम को जाणी तापर ता अनुसार डाटा कलेक्शन करापर ताक एक्सपेरिमेंट करवा कौटा कर ऑप्शन बी कर राइट आंसर प्रथम प्रोब्लेम को आईडेंटिफाई कल देन प्रोब्लेम को बाहर कल देन आम कलेक्शन डाटा कल देन एक्सपेरिमेंटेशन कल तेल कौन कर ऑप्शन बी कर राइट आंसर ऑप्शन बी ओके फिल इन द ग्लास डैश डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू फोर इस जगह फिले मैंने आम कौन कर मन कर आम 16 को 4 डिवाइड कर परिबा किंबा 12 को 13 डिवाइड कर परिबा किंबा 64 को आम 16 डिवाइड कर परिबा आंसर आम 4 आछे दरकार इस जगह आम कौन कर मल्टीपल रेस्पन्स क्या कहूँ ना ये आम ओपन एंडेड भाव में आम मल्टीपल रेस्पन्स मैंने अधिक रेस्पन्स आसा कर ओपन एंडेड आम ये जहाँ भी यूज करजल्ट आम 4 आसभा अप्सन को आम यूज करें कौन करइट आंसर अप्सन डी ओके से पचारे ह्विच इज द स्मलेस्ट नेक्स्ट बेटा कुछ क्वेश्चन कहले ह्विच इज द स्मलेस्ट इभेन इंटरगर इंटरगर मान कौन आम पूर्ण संख्या रे सब छोट कौटा पे मैंने जीरो को नहीं काउंट हो मैंने पॉजिटिव नेगेटिव जीरो भी थी तुम कौन कर जीरो कर राइट आंसर नेक्स्ट बेटा कुछ क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ ह्विच स्टेटमेंट डज नॉट इंडिकेट मेरिट ऑफ ए स्कीम ऑफ लेसन कौटा गोटे मेरिट को बुझौन बोली पचारूँ डज नॉट इंडिकेट लेसन ना गोटे मेरीट को बुझ न इट हेल्प्स टू फिनिश द कोर्स इन ड्यू टाइम ठीक टाइम रे कोर्स को सारिबा मेरीट को रेस्पन्स कर इट हेल्प्स इन नोइंग द प्रोग्रेस इन द ऑब्जेक्ट इन द क्लास केते मात्रा रे क्लासटा प्रोग्रेस हेला सेटा मते जानिया पई हेल्प करिवो इट हेल्प्स इन नोइंग व्हिच टॉपिक इज टू बी टॉट इन व्हिच मंथ को मास रे आमे को टॉपिकटा पढेबा एटा मते हम लेसन प्लान जानि परिबा किंतु से कहुछि पिले माने इट हेल्प्स इन नोइंग व्हाट एक्सटेंट स्टूडेंट्स हैव बीन बेनिफिटेड फ्रॉम द टीचिंग आमे जो पढेले लेसन प्लान लेखा हेथिबो नै ए पिलाटा एतिक मते ग्रहण कला से पिलाटा ग्रहण कला से पिलाटा ग्रहण कला एमिति किछि लेसन प्लान लेखा थाय कि किछि न थाय तले कोटा गोटे डीमेरिट पॉइंट ऑप्शन सी टा होछि गोटे डीमेरिट पॉइंट बुझेलाटी ऑप्शन सी करिवो राइट आंसर फॉर टीचिंग व्हिच मैथमेटिकल प्रोसेस नेपियर पीसेस आर यूज नेपियर प्रोसेस गुड़ाक आम कौ जगार यूज करुचे पचारूँ आम जो नेपियर पीसेस नेपियर बोन गुड़ाक कौ जगार पे मैंने मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस आम व्यवहार कर मन रखिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन गोटे मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस आम व्यवहार करपसन डी कर राइट आंसर ए चाइल्ड ऑफ क्लास थर्ड रिपीटली मिस्टेक मेक्स मिस्टेक इन डिविजन कौन करुँ डिविजन गोटे बारंबार मिस्टेक करुँ तार कॉस्ट को जानिया पाई आम को प्रकार इवैल्युएशन करिया बोली पचारूँ पहले मैंने समेटिव के गोटे कोर्स एंड जो एग्जामिनेशन होता है ताक आम कौन कह समेटिव कह प्लेसमेंट कहले सीटीईटी ओटीईटी एगुड़ाक प्लेसमेंट फॉर्मेटिव कहले क्लास मझे आम जो एग्जाम करुच्छा गोटे क्लास
एंड्रे जो एग्जाम करुचे किंतु पर्टिकुलर प्रोब्लेम को धरिया पई आमे को एग्जाम करुचे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करुचे कोन करुचे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करुचे तो एटे कोन करिवो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करिवो राइट आंसर ऑप्शन ए। इन ए ब्लूप्रिंट प्रिपेयर फॉर द यूनिट टेस्ट मैथमेटिक्स 2-1 इज रिटन एट ए प्लेस व्हाट डज इट इंडिकेट एटा को कथा को इंडिकेट करुचे बोली पचारुचे यदि 2-1 लिखा है 2 × 1 ता अर्थ होची कोन पिले माने 2 क्वेश्चन इज कैरिंग 1 मार्क कि 2 क्वेश्चन एंड टोटल वैल्यू 1 मार्क एटा के पिले हबोनी 1 क्वेश्चन ऑफ वैल्यू 2 मार्क से कहूची दीटा क्वेश्चन इज कैरिंग 1 मार्क माने ऑप्शन ए करिवो राइट आंसर 1 क्वेश्चन ऑफ वैल्यू 2 मार्क गोटे क्वेश्चन जरा वैल्यू होची 2 मार्क ऑप्शन ए करिवो राइट आंसर। एट द बिगनिंग स्टेज ऑफ द लर्निंग मैथमेटिक्स एट द बिगनिंग स्टेज ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स व्हाट शुड द चाइल्ड लर्न पिलाटा कोन सिखिबो आरंभ जतले पढौचे पिलाटा राइटिंग कथा केबल जे सिखिबो नि कने एल हमर जो चारटा स्किल होई पिले माने कोन कोन एल एस आर डब्ल्यू डब्ल्यू टा सब पूरा लास्ट रे माने राइटिंग टा लास्ट रे केबे हेले राइटिंग टा सिखिबो नि कि 10 ऑब्जेक्ट कथा के पहले काउंटिंग भी करिवो नि प्रथमे कोन करिवो स्पीकिंग नंबर्स फ्रॉम 1 टू 10 नंबर काउंटिंग टा प्रथमे सिखिवो ऑप्शन ए करिवो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट पेडागोजी क्वेश्चन को जीवा पहले माने गोटे गोटे लाइक और शेयर तो निहाते बे करो जहादरा समस्त निकट हम क्लास तो जेमथेले पहुंची परिवो कहना आपण मानक गोटे गोटे लाइक और शेयर माध्यम से सब पिला निहाते हम क्लास रे जॉइन हे परिबे और आज पर्यंत टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हे ना निहाते बे टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन रहबा दरकार। पचरुची व्हाट शुड मैथमेटिक्स बी टॉट इन द प्राइमरी स्कूल हम प्राइमरी स्कूल ले मैथमेटिक्स टक हम केमिति पढेबा दरकार से कहूची अदर सब्जेक्ट इन द करिकुलम कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स को छाड़ी देले अन्य सब्जेक्ट गुडा को पढ़े हेबोनि सेमिति हे परिबो नि मैथमेटिक्स हैज इट्स ओन लैंग्वेज मैथमेटिक्स रो ओन लैंग्वेज अछि नै हम लैंग्वेज को नै कि मैथमेटिक्स तैयारी हायर एजुकेशन टा इम्पॉसिबल हेबो मैथमेटिक्स द्वारा सेटा नै हम मैथमेटिक्स टा काहे कि पढेबा टू मच डेली यूजेस हम लाइफ रे प्रतिदिन कोन होछि मैथमेटिक्स टा अधिक मात्रा रे यूज होछि त हम कोन करबा हम ऑप्शन ए करिवो राइट आंसर सेति पई प्राइमरी स्कूल ले मैथमेटिक्स को पढ़ा जाए थे ऑप्शन ए करिवो राइट आंसर। विथ व्हाट सब्जेक्ट आर द प्राइमरी स्कूल करिकुलम हैज मैथमेटिक्स कोरिलेशन मैथमेटिक्स सहित कार कोरिलेशन थाए जनरल साइंस सहित थाए निहते हेबे एनवायरमेंटल स्टडी सोशल स्टडी एथरे मस्या गुडा लेखा रहउछि एनवायरमेंटल स्टडी मते मस्या रहउछि जनरल साइंस रे हमर जो सिंबल गुडा को लेखा रहउछि सिंबल रो जो घातक लेखा रहउछि एथरे साइंस रे मते नंबर यूज करा जाउछि तो प्रतिटी जिंस रे माने ऑल ऑफ दिस अछि माने मारिबो ऑप्शन डी करिवो राइट आंसर ऑप्शन डी। ए प्लस बी रो होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन व्हिच ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एटा को ऑब्जेक्टिव उपरे फोकस करुचि पिले माने एटे मारिबोनि ऑल ऑफ दिस अछि माने मारिबोनि कामटा होछि कोन तीनटा जिंस कहिछि नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन एटे एप्लीकेशन कथा किछि नाही किंतु कोन तुम जानिथिबो जदि ए प्लस बी रो होल स्क्वायर कोन नॉलेज अनुसार लेखि पारिबो त कोन करिवो नॉलेज नॉलेज करिवो राइट आंसर ऑप्शन ए। ए टीचर कंस्ट्रक्ट फॉर डिफरेंट क्वाटरिडल मेजर देयर एंगल्स आर अराइव्ड एट द कंक्लूजन रिलेटिंग टू द रिलेशन बिटवीन मेजर ऑफ द फोर एंगल क्वाटरिडल से कहूँ गोटे प्रथम कौन कले ए टीचर कंस्ट्रक्ट फॉर डिफरेंट क्वाटरिडल कंस्ट्रक्ट करी जापारे निहते भितर कि एग्जाम्पल देख मेजर देयर एंगल एंड अराइव एट कंक्लूजन एंगल गुड़ाक मापिले मैंने कौन कले एग्जाम्पल कह गले गोटे अराइव कले गोटे कंक्लूजन पहुँचिले रिलेटिंग टू द रिलेशन बिटवीन मेजर ऑफ द एंगल्स क्वाटरिडल एंगल मानकर गोटे क्वाटरिडल एंगल कोण मानक भितर मेथडटा कौन अच्छा भितर पहुँचिले मैंने एग्जाम्पल कह गले डायरेक्ट गोटे फर्मूला को गले आम कौन बोले कहीपर पे मैंने आम इंडक्शन मेथड बोली कहीपर कौन कहीपर इंडक्शन मेथड बोली कहीपर यदि से गोटे फर्मूलू डायरेक्ट आम एग्जाम्पल को आसी था आम कौन कही था डिडक्शन बोली कही था तेना कौन करपसन सी कर राइट आंसर ऑप्शन सी। व्हाट मेथड इज अडॉप्टेड फॉर टीचिंग ज्योमेट्री एट द प्राइमरी स्टेज आम जब प्राइमरी स्टेज रे ज्योमेट्री कथा पढ़ाऊे आम एनालाइज केवानी
कि सिंथेटिक प्रोसेस भी रही। प्राइमरी स्टेज रे आम ज्योमेट्री पढ़ापी हेले इंडक्शन एवं डिडक्शन मेथड पढ़ा दरकार। मैंने कौन आम निहतर सूत्र रु आसीपर एग्जांपल को बा एग्जांपल सूत्र को भी जापर इंडक्शन ना डिडक्शन मेथड पढ़ा दरकार। ऑप्शन बी कर राइट आंसर ऑप्शन बी। व्हाट इज नॉट देयर इन मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक। मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक रे कौन न थाए बोली पचारुची कौन न थाए पिले माने आमर पिले माने वर्कआउट प्रोब्लेम किसी कार्य मध्ये थिबो प्रैक्टिस प्रोब्लेम आम प्रैक्टिस सेट मध्ये रहुची ज्योमेट्रिकल फिगर आउ ग्राफ मध्ये रहुची किंतु पिले माने आमर मेथड ऑफ लर्निंग पिला मानको केमिति पढ़ेबा से मेथड गुडा कोन गणित भरे लेखा हे गछि से मेथड गुडा को लेखा हे कि नाही तले कोटा लगा ऑप्शन सी टा होछ हमर अलगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ द टीचिंग मैथमेटिक्स इज मोर चाइल्ड सेंटर कोटा गोटे चाइल्ड सेंटर मेथड बोली पचारिछि पिले माने चाइल्ड सेंटर माने कोन जोथरे पिला मानको अधिक मात्रा गुरुत्व दिया जाउथिबो लर्निंग रो फोकस टा अधिक मात्रा पिला मानको ऊपर रहउथिबो एनालाइज सिंथेटिक इंडक्टिव डिडक्टिव रे पिला मानको ऊपर केतले गुरुत्व केत रहउछि कि रहउ नाहि पिला मानको खेले खेले पढिबा प्ले वे मेथड रे एटी कोन रहिथे अधिक गुरुत्व रही परि थाए कौन कर ऑप्शन डी कर राइट आंसर ऑप्शन डी। द काउंटिंग नंबर प्रिसीडिंग फ्रॉम प्रिसीडिंग 30 इज डैश व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन। द काउंटिंग नंबर प्रिसीडिंग 30 आम कौन करवा 30 रो पूर्ववर्ती गणन संख्याटा कथा पचारा यहाँ पिले माने कौन हो पिले माने आम ये गोटे कंप्लीटेशन करने गोटे जिनस कह गोटे जिनस कथा पचारूँ यदि गोटे जिनस कथा पचारे सेन्टेन्स को कंप्लीटेशन करने आम कौन करवा गोटे कंप्लीटेशन टाइप क्वेश्चन बोली करपर ऑप्शन बी कर राइट आंसर ऑप्शन बी। ए चाइल्ड ऑफ क्लास टू रेगुलरली मेक्स मिस्टेक इन मल्टीप्लिकेशन कौन करुची मल्टीप्लिकेशन रे मिस्टेक करुची टू नो इट्स कॉज ता कॉज को जानापी कही पर्टिकुलर प्रॉब्लम जब जानवा आम कौन कर डायग्नोस्टिक इवैल्युएशन करवा ऑप्शन डी कर राइट आंसर अच्छी आ कौन अच्छी मैंने तो मार यदि अच्छी अल अफ दिज अच्छी मैंने मार ऑप्शन डी कर राइट आंसर। नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन को जीवा पे मैंने गोटे गोटे लाइक और सेयार कर और जदि जमी वेब सीट तुम प्लानिंग भिड अनुसार पढ़ी पारिकी सक्सेस निहतार केवल निजर कन्फिडेन्स रहा दरकार और निजे से प्रोसेस काम करवा दरकार आजे न पढ़ी अन्य को दोष दे किसी भी लाभ ना। ओके कहूँ व्हाट क्वालिटी इज डेवलप्ड इन द पुपिल ड्यू टू द लर्निंग मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स आम जब पढ़ेबा पुपिल मान को प्रकार क्वालिटा बढ़ी पारि था पचारूँ डिसिप्लिन बिहेवियर बढ़ आर्गोनेट भी रक्सप्रेसन भी रल अफ दिज अच्छे मैंने मार कौन ऑप्शन डी कर राइट आंसर ऑप्शन डी। पचारि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज ए रेक्टांगल व्हाट ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स डज इट फिगर ये जो आम रेक्टांगल कथा पढ़ाऊे आंक भितर के रेक्टांगल बोली आम ये के प्रकार टीचिंग करा बोली पचारूँ ये पिले माने कौन आम जब आगुरी जाथ्वा ये जिनसटा को भाया ता अनुसार आम कहीपर ये अफेक्टिव साइकोमोटर कथा ना कि बोध केवल हेनी आम कौन कर कॉग्निटिव आगर ज्ञान को लेकिन तुम्हारा जापर तुम कौन कर आगुरी जी जाच ना रेक्टांगलटा आम चार भारतर आबद्ध क्षेत्र को रेक्टांगल बोली कहीपर तेनाली कौन कर ऑप्शन ए कर राइट आंसर कॉग्निटिव डेवलपमेंट कथा कह। नेक्स्ट पचारूँ व्हाट इज नॉट देयर इन द लेसन प्लान फॉर द टीचिंग मैथमेटिक्स टीचिंग मैथमेटिक्स रे कौन न थाए बोले लेसन प्लान ने पचारूँ इवैल्युएशन प्रोसीजर केमी आम इवैल्युएशन करवा रही टीचिंग एड्स कौन कौन यूज करवा ये भी रही आम ऑब्जेक्टिव कौन रही किंतु नंबर ऑफ एनुअल वर्किंग डे वर्षक आम कत पढ़ेगा कत कम करवा कौन करवा सहीटा के आम कौन हेनी लेसन प्लान लिखा हेनी लेसन प्लान पिला ऑब्जेक्टिव टीचिंग एड्स इवैल्युएशन प्रोसीजर लिखा जीव कि एनुअल वर्किंग डे कत आम पढ़ेगा सेटा केवल लिखा ही न थाए तो कौटा अलग ऑप्शन ए हूँ पे अलग। ए टीचर व्हाइल टीचिंग ज्योमेट्री स्टार्टेड फ्रॉम व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड अराइव्ड व्हाट इज गिवेन व्हाट मेथड इट फॉलो फॉर द टीचिंग से कहूँ कौन करुच्ची से टीचर व्हाइल टीचिंग ज्योमेट्री स्टार्टेड फ्रॉम व्हाट इज एक्यूर्ड कौन दरकार
व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड अराइव्ड एट व्हाट इज गिवेन कौन दरकार कौटी पहुँचवा ये कौन कर गोटे जगह से आनालीसीस कौन करनालीसीस करी से आनालीसीस करें कौन कर पे मैंने आनालीसीस प्रोसेस कहीपर आम दरकार कौन पड़ा केमी कम करवा कौन यूज करापर के सक्सेस पाइबा गोटे पटे कौन गोटे गोटे आनालीसीस करना आनालीसीस प्रोसेस कहीपर बुझीगला नेक्स्ट किसी क्वेश्चन अच्छे देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग ज्योमेट्री एट द प्राइमरी स्टेज आम जब प्राइमरी स्टेज रे ज्योमेट्री की पढ़ाऊे तार ऑब्जेक्टिव कौन रहा लक्ष्य कौन रहा पचारूँ करेक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर ज्योमेट्रिकल फिगर गुड़ाक ठीक करने आम खाली ज्योमेट्री प्राइमरी स्टेज पढ़ेगा ना डिफाइनिंग द ज्योमेट्रिकल फिगर कौटा आयत चित्र कौटा प्रगत चित्र जनवाई पढ़ेगा ना कि आम लॉजिकल प्रूफ को प्रमाणित करने पढ़ेगा ना सेमती किसी ना ऑब्जर्वेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर आम ज्योमेट्रिकल फिगर को ऑब्जर्वेशन करने परीक्षण करने पढ़ा दरकार ऑप्शन ए कर राइट आंसर ऑप्शन ए व्हाट द चाइल्ड लर्न आट द बिगिनिंग ऑफ द लर्निंग मैथमेटिक्स आम जब मैथमेटिक्स टाइम पढ़ाऊे से टाइम पिलाटा कौन शिख सुन ठू न जाए सब आईडेटिफाई कर मानते सब आईडेटिफाई करके जानव सेमती केवल करनी सीरीयली लेखा कथा भाई लास्ट रे ऑब्जेक्ट कथा तो नुह पाटा केवल काउंटिंग कर नेमिंग द नंबर्स ऑफ 1 टू 10 1 2 3 4 ये भाई खाली काउंटिंग कर कौन कर ऑप्शन ए कर राइट आंसर ऑप्शन ए है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन पे मैंने देखिबा नेक्स्ट ईयर मैथमेटिक्स पेडागोजी क्वेश्चन हमर कोन कोन आसी छी ओके नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन ने कहू छी फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन इज नॉट रिलेटेड टू द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स नेचर ऑफ मैथमेटिक्स को नेकी कोटा रिलेशन नहे बोली पछरु चांग भितरु देखो ताले पेले माने आमे एक्जैक्टनेस मैथमेटिक्स रे ए प्लस बी रो होल स्क्वायर मन का बाहर करू छी कि 5 रे 3 मिसले केते एक्जैक्ट गुड आंसर बाहरिबो ना अलग आंसर बाहर कि बाहर स्पेसिफिक सिक्वेन्स मनकर जहाँपर जहाँ हाब कथा मनकर बी ओ डी एम एस बदमाश रोल को पढ़ाऊे ब्राकेट ऑफ डिविजन मल्टीप्लिकेशन गोटे पर गोटे जहाँ करा कथा करवा एक्जाक्ट स्पेसिफिक तो रही है पैटर्न भी यहाँ गोटे पैटर्न पैटर्न भी फॉलो कर कि एक्सपैंडेड एक्सप्रेसन अच्छी कि एक्सपैंडेड मान कौन पे मैंने निहती भाव आम कह ए प्लस बी रोल स्क्वायर मन आम लिखुचे से जगह आम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस सी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एमती लिखिपर एक्सपैंड कर लिखिपर ना प्रकृत में जीक से आम लिखिपर ये गोटे मैथमेटिक्स नेचर नुहे कौटा ऑप्शन सी है अलग व्हिच वन इज द करेक्ट ऑर्डर इन द सब यूनिट ऑफ नंबर आइडेंटिफिकेशन आम नंबर को आइडेंटिफिकेशन करने गोटा गोटे करेक्ट ऑर्डर बोली पचारूँ तेल पे प्रथम कौन कर आग तो नंबर के बारे लिखिदेव तुम्हें कि आगे लिखा तो एल एस आर डब्ल्यू डब्ल्यू तो पूरा लास्ट हेनी अर्डर तो नंबर आम काउंटिंग तो करना अर्डर आड़े कहो ना प्रथम काउंटिंग कर दे रईटिंग कर लिख दे अर्डर लिख एक दुई तीन लिखिपार कि आम दुई चार छः लिखिपार गोटे निर्दिष्ट अर्डर तापर लिखे ऑप्शन डी कर राइट आंसर ऑप्शन डी इन व्हिच मेथड इन टीचिंग मैथमेटिक्स वन प्रोसीड फ्रॉम अननोन टू नोन यदि पे अननोन रू नोन को गला पचारे ठीक के प्रकार प्रोसेस को यूटिलाइज करुच्ची पचारूँ यदि अननोन रू नोन को जीव तेल आम कौन कर पे निहती भावे आनालीसीस मेथड कर किसी जाणी नाला से अननोन रू आनालीसीस करा गोटे ठीक सूत्र जहाँ आम जाना ता निकट में पहुँचला तेणु कौन कर अननोन टू नोन आनालीसीस कर ऑप्शन डी कर राइट आंसर व्हिच वन इज नॉट कनेक्टेड विथ द यूजिबिलिटी ऑफ द लेसन प्लान को लेकिन कौटा कनेक्टेड नुहे पचारे कहते पे भितर कौटा कनेक्टेड नुहे टीचर बिकेम्स आवेयर ऑफ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव टीचर निहते आवेयर हे सचेतन हे प्री रिक्वेस्टेड ऑफ द कंटेंट नॉलेज ऑफ द लर्नर इज टेस्टेड पिलार लर्निंग परफॉर्मेंस को टेस्टेड कर ये भी ठीक रही है द अचीवमेंट ऑफ द लर्नर इज इवैल्युएटेड इवैल्युएशन भी हम कितने मात्रा अचीवमेंट कला कि सी कहूँ लेसन प्लान रे लर्नर अंडरस्टैंड द प्री डिटरमाइंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव लर्नरटा जानव मोर ऑब्जेक्टिव कौन लर्नरटा कि जानव लर्नरटा जानवनी तेनाली ऑप्शन बीटा पे अलग
ऑप्शन बी करिवो राइट आंसर ऑप्शन बी। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स व्हिच वन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट टू आइडेंटिफाई द गिफ्टेड लर्नर। आम जब गिफ्टेड लर्नर कथा को कह मैंने कौन जो पे टैलेंटा अधिक से आइडेंटिफाई करने इंटेलिजेंस टेस्ट नुह कि अचीवमेंट टेस्ट नुह कौन करें पर्सनाली ऑब्जर्वेशन करदे निकट को जाकि ऑब्जर्व करदे आम सबकि ठीक से जापर तेणु कौन ऑप्शन डी कर राइट आंसर पर्सनल ऑब्जर्वेशन ऑप्शन डी कर राइट आंसर बुझिपार। इन ह्विच मेथड आर द मैथमेटिकल प्रोब्लेम सॉल्व यूजिंग द प्री इस्टाब्लिश रूल रूल को लेकिन पे हूँ प्री इस्टाब्लिश मैंने आगुआ रूल को लेकिन सल्यूशन आम कले आम कौन बोली कह डिडक्टिव कह रूल एक्जामपल को आसे ना डिडक्टिव एक्जामपल जो रूल को जाते इंडक्टिव करते बुझेगा टी ऑप्शन ए कर राइट आंसर। व्हिच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द टीचिंग मैथमेटिक्स कोटा गोटे करेक्ट ऑर्डर कौन पे आम केवल इवाल्युएसन आग करनी अंडरस्टैंडिंग कहीं कर ज्ञान थी सीना अंडरस्टैंडिंग कर प्रथम है नलेज ज्ञान कौन कर अंडरस्टैंडिंग से कहे आप्लिकेसन आप्लिकेसन नुह प्रथम कौन कर नलेज देन अंडरस्टैंडिंग देन आप्लिकेसन देन इवाल्युएसन ऑप्शन डी कर राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके व्हिच इज द टेक्निक ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन गोटा गोटे टेक्निक पचारूँ कौटा पे टेक्निक आम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट रेटिंग स्केल तो आम पे रेटिंग करने क्वेश्चनरी मेथड तो परीक्षा करने कि ऑब्जर्वेशन करिया माने तो आम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कहीपर बा इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कहीपर इंटरव्यू मध्यम तक आम ऑब्जर्व कर कौन कर ऑप्शन सी कर राइट आंसर ऑप्शन सी। व्हिच वन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर फ्रॉम द कोसलास्टिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मैथमेटिक्स आम कोसलास्टिक व्यू कथा देखा कौटा अंक भितर डिफरेंट बोली पचारूँ बोले मैथमेटिक्स रे फेयर अच्छी गणित मेला अच्छी गणित क्विज करुचे गणित प्रोजेक्ट भी आम कि होती पे मैथमेटिक्स क्लब क्लब तो भी अच्छी मैथमेटिक्स क्लब भी रोचे कि प्रोजेक्ट कहले सेमती मैथमेटिक्स किसी प्रोजेक्ट कौन शुणी तुम मैथमेटिक्स तो प्रोजेक्ट किसी हेनी दुटा भितर जहाँ भी गोटे हम कमेंट सेक्शन में कह कौटा ठीक मतलब लगुच प्रोजेक्ट तुम कौटा ठीक लगुच कह टी है समस्त कमेंट सेक्शन में जनइब से कहि द मेजर अफ अल द आंगल्स अफ ए ट्रिएंगल आर इक्वाल देन ह्वाट टाइप अफ ट्रिएंगल इज इट ह्वाट टाइप अफ क्वेश्चन से कहि द मेजर अफ द अल आंगल्स अफ ए ट्रिएंगल आर इक्वाल गोटे ट्रिएंगल तीन टा जाक आंगल कौन अटंती सामान अटंती यदि सामान अटंती यहाँ गोटे कौ टाइप ट्रायंगल ये क्वेश्चन को आम कौ क्वेश्चन बोले कहींपर आम मन पकाचे ना केवल मन पकाचे ना तक आम कौन बोली कह स्मरणमूलक तक आम रिकल टाइप बोली कह कह रिकल टाइप बोली कह ऑप्शन सी कर राइट आंसर बुझिपार ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन कहि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ व्हिच वन डज नॉट सिग्निफाई द फिक्चर ऑफ द मैथमेटिक्स केउटा गोटे मैथमेटिक्स रा फिक्चर को बुझनाय बोली पचारूची पहले मैथमेटिक्स रे आमर कोन रहिबो निहेते हेबे मैथमेटिक्स भितरे आमर मैग्नीट्यूड रहिबो मैग्नीट्यूड माने कोन पहले माने परिमाण विज्ञान विज्ञान व्यवहार होची लॉजिकल रीजनिंग माने मैथमेटिक्स जानिसे कैलकुलेशन भी रहिबो एटी मैथमेटिक्स रे बिहेवियर कथा किछि नथाय कौन नथाय बिहेवियर कथा किछि नथाय तले ऑप्शन सी करिवो अलगा ऑप्शन सी करिवो राइट आंसर बुझि परिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पेडागोजी पेडागोजी क्वेश्चन कोठी अछि अच्छा आसला पचारूँ आबस्ट्राक्शन इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैथमेटिक्स बट इट विल बी द यूजफुल इफ इट इनवॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्पेसिफिक सिचुएशन ये स्टेटमेंटा किए कही पचारूँ कौ स्टेटमेंटा कौन अमृतता होउछि गणितर बल किंतु यह उपयोगी हम जदि यह अधिक संख्यक निर्दिष्ट परिस्थिति को अंतर्भुक्त करे एटा पिले आम किए कही पे आम लिपमान बरस कही लिपमान बरस कही ऑप्शन बी कर राइट आंसर ऑप्शन बी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ओपन एंडेड क्वेश्चन
ओपोनेंटेड क्वेश्चन कौटा गोटे क्यारेक्टराइज मैंने कौन हो पजिट पॉइंट होती से कहते हैं अन आभेबिलिटी मैंने कौन नेगेटिव को बुझे इट रिड्यूस सेल्फ कन्फिडेन्स ओहो पे कन्फिडेन्स कौन कमे बढ़ेब ना इट इज इम्पोसिबल इम्पोसिबल मैंने नेगेटिव पॉजिटिव कौन कही देख इट इम्प्रूव द क्रिएटिविटी एंड द थिंकिंग कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट पिलामानकर थिंकिंग कैपेसिटी आउ क्रिएटिविटी को बढ़े पारि थाए ऑप्शन बी करिबो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहुची व्हिच इज द स्पेसिफिक बिहेवियर ऑफ द अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस क्वेश्चन ना कौटा गोटे स्पेसिफिक बिहेवियर बोले पचारूँ आम प्रथम कौन करा दरकार निहतम वेरीफाइंग करा दरकार वेरीफाइंग करके आम गोटे प्रोब्लेम को जापर ऑप्शन सी कर राइट आंसर ऑप्शन सी ऑलरेडी पिले माने एठी आम 2016 रु 2021 पर्यंत जहाँ भी आम मैथमेटिक्स पेटा कुछ क्वेश्चन आसाला सबकि डिस्कसन करे आशा कर क्लास टी समस्त भल लगे जो भल लगे गोटे गोटे लाइक और सेयार करने भूलिबे ना जो आम सहित सियोर सक्सेस निहाती पाइबापी चाहूँ जोड़ी रहा निहाय दरकार आम सहित जोड़ी रहा धन्यवाद थैंक यू जय जगन्नाथ।